एवरी वन माई नेम इ गोस्वामी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो बेसिकली आप लोगों का जो सिटी इंटीमेशन uh, लिंक है, है या जो आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो आपको मिल चुका है एंड यू ऑल नो कि किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है ठीक है फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग ऑफ कोर्स अब आपको ये भी पता चल चुका है किस शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है एंड जब हम ये बात बोलते हैं कि किस शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी हालांकि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी देने की कोशिश की थी बट अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस कन्फ्यूजन uh, या इस स्ट्रेस में है कि uh, किस शिफ्ट में पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा या किस शिफ्ट में पेपर जो है वो ज़्यादा आसान आएगा या फिर उनको कितना कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है तो उस सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि किस शिफ्ट में किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन दिस सी एस एग्जामिनेशन और क्या सच में ऐसा होता है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट्स एंड द शिफ्ट तो सिंपल बात है सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल शिफ़्ट वन में बात करूँ शिफ्ट टू में बात करूँ तो डेफिनेटली देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ हम बोलेंगे कि एक एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि यहाँ पर जो पेपर्स है या जो शिफ्ट है उसमें अलग अलग यूनिट्स का नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है मतलब उनसे आने वाले सवालों का नंबर डिफरेंट डिफरेंट है उनका वेटेज अलग अलग है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यूनिट नंबर थ्री जो है उससे शिफ्ट वन में आ जाते हैं दस सवाल तो यूनिट नंबर थ्री से सेकेंड शिफ्ट में शायद हो सकता है आठ से नौ सवाल ही आए बट और यही ट्रेंड हम सब में देख रहे हैं तो होता क्या है कि इन जनरल जिस शिफ्ट से जिस शिफ्ट में पिछली बार जिस यूनिट से कम सवाल आए थे उस शिफ्ट में जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें फर्स्ट शिफ्ट की ठीक है लास्ट ईयर का अगर हम पैटर्न ले तो ये पैटर्न है तो अगर आप इस बार के पैटर्न के बारे में बात करेंगे मतलब दिसंबर एग्जामिनेशन के बारे में तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूनिट नंबर थ्री से यहाँ पर कम क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एंड सेकेंड शिफ्ट में आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई देंगे बट ये जो नंबर है ना ये मैं आपको बता दे रही हूँ क्लैरिटी के साथ में कि हाँ ऐसा होता है ठीक है अभी तक ऐसा होता है अभी तक हम ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं बट ज़रूरी नहीं है कि आगे ही आगे भी होगा बट इससे आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा या इससे आपकी प्रेपरेशन पे या मार्किंग पे या uh, मैं बोलूंगी कि अगर एक दो नंबर एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता भी है तो कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस या बहुत ड्रास्टिक को चेंज आने वाला नहीं है तो किस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए आपको वो पता होना चाहिए एंड वो है कि यूनिट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जहां से दोनों शिफ्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है थीके? चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे वो सेकेंड शिफ्ट हो तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर दे रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद में इंपॉर्टेंट और उसके बाद में सबसे कम क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो लीस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हमारे सामने हो जाती हैं वो है यूनिट नंबर थ्री उसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही शिफ्ट में एक दो सवाल ऊपर नीचे होगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिमिलरली यूनिट नंबर सिक्स ठीक है सिमिलरली यूनिट नंबर थ्री सिक्स एंड थर्टीन यस ये जो तीन यूनिट्स है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट्स है यहां से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके पूछे जा रहे हैं थ्री सिक्स एंड थर्टी मैं उम्मीद कर रही करी यहाँ अभी तक आपने पढ़ लिया होगा मैं क्योंकि मैं कई बार पहले भी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि ऐसा होता है ये ऐसा नहीं है कि आई एम फर्स्ट टाइम टेलिंग यू कि भाई ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन फिर भी एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन के नंबर के बेसिस पे हर एक शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऊपर नीचे दो एक आध सवाल हो सकता है हंड्रेड परसेंट हो सकता है बट फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि तब भी इस यूनिट से किसी भी शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट की कैटेगरी में आ जाती है थ्री सिक्स और इम्पोर्टेंट यूनिट उसके बाद में आ जाती है यूनिट्स या एवरेज अगर मैं बोलूंगी उन यूनिट्स को तो उन यूनिट्स में आ जाता है हमारा नाम बेसिकली यूनिट नंबर सेवन दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी ठीक है इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा उसके बाद में यूनिट नंबर एट दैट इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी ठीक है उसके बाद में आ जाएगा यूनिट नंबर वन दैट इज बायो उसके बाद में आ जाएगा यूनिट नंबर इकोलॉजी बेसिकली ठीक है यूनिट नंबर टेन इकोलॉजी एंड देन देयर इज यूनिट नंबर फाइव दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो ये पांच यूनिट्स जो है उनको मैं इंपॉर्टेंट यूनिट की कैटेगरी में रखूंगी क्योंकि यहाँ पर कंपेयर टू दीज थ्री यूनिट्स कम सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम नंबर हो गया तो आप पढ़ोगे नहीं अभी भी ये इंपॉर्टेंट है तो अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपसे बोलूँ तो वो हो जाती है यूनिट नंबर वन थ्री फाइव सिक्स सेवन एट टेन एंड थर्टी मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये आठ यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स की कैटेगरी में आती हैं अब बचती हैं पाँच यूनिट जिसमें से सबसे कंपेरेटिवली uh, अगर हम देखेंगे तो कम नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें से आ जाती है यूनिट नंबर टू यूनिट नंबर फोर यूनिट नंबर नाइन एंड यूनिट नंबर इलेवन ट्वेल्व ओके बट जब मैं ये बोल रही हूँ आपसे कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है तो आपको ये बात यहाँ पर एक ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मैं यूनिट टू और फोर को मिला दूं साथ में यूनिट टू और फोर को मिला दू तो ये वापस से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में भी आ सकता है ठीक है बिकॉज ये दो यूनिट लगभग जुड़ी हुई हैं, सेल का ही सब कुछ हम पढ़ते हैं वहाँ पर भी यहाँ पर भी साइटोस्केलेटन जंक्शंस, यहाँ पर भी साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं आपका जो सेल साइकिल है वहाँ पर उससे एसोसिएटेड कैंसर है प्रोसेस है ठीक है तो ये सब इम्यूनोलॉजी पार्ट को भी अगर मैं थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ तब भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में तो ये रहेंगी ही रहेंगी तो आप इन दो यूनिट्स को भी जोड़ सकते हो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की कैटेगरी में मतलब मैं इसको भी ग्रीन से ही मार्क कर दे रही हूँ वापस से ठीक है क्योंकि इन दोनों को मिला के अगर हम साथ में पढ़ रहे हैं तो हम इसको देख सकते हैं एंड सबसे लास्ट में आ जाती है नाइन्थ इलेवन एंड ट्वेल्व जिससे सबसे कम नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एंड जब आप पढ़ाई भी करते हो यू ऑलरेडी नो कि हम इस हिसाब से पढ़ाई करते हैं कि भाई हमें हाँ पता है कि यूनिट्स उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रीज़न भी और एक और बात बताती हूँ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट या इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर अभी तक इन यूनिट से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो अगली बार भी ऐसा होगा वट आई एम टेलिंग यू इज द ट्रेंड दैट सी एस आई आर हैज बीन फॉलोइंग टिल नाउ अभी तक सी एस आई आर ने इस ट्रेंड को फॉलो किया है आगे ये ट्रेंड फॉलो होगा नहीं होगा हमें से कोई नहीं जानता सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जामिनेशन का दिन ही ये चीज़ बता पाएगा तो उसके बाद आई थिंक मैं और क्लैरिटी से आपको बता पाऊंगी कि भाई नेक्स्ट जो जून के एसपीरियंस है उनको क्या करना है बट फिलहाल के लिए आप ये जो यूनिट्स है प्रायोरिटी यूनिट्स तीन यूनिट सबसे पहले उनको कवर करो अगर अभी तक रिवाइज नहीं किया फटाफट से रिवाइज कर लो उसके बाद में बाकी की आठ जो बाकी की टोटल यूनिट्स है उनको कवर करो ठीक है एंड अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी पे रख दो और इससे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप लोगों में से जिन लोगों के भी दिमाग में ये चीज़ है कि भाई फर्स्ट शिफ्ट डिफ़िकल्ट आती है या सेकेंड शिफ्ट डिफिकल्ट आती है देखो डिफ़िकल्ट डिफ अगर मैं बोलूँगी भी ना तो 19-20 का डिफरेंस होता है कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ड्रास्टिक कुछ चेंज हो जाता है लेकिन हाँ अगर पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके स्कोर को उस हिसाब से लेकर रखेगा ठीक है सो डो नॉट वरी अभी से पैनिक मोड में मत चले जाओ कि भाई हमारा सेकंड शिफ्ट में आ गया वो तो बहुत डिफिकल्ट होती है हो ही नहीं पाएगा ऐसा कुछ नहीं है यू नेवर नो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए क्या एग्जाम हॉल में छुपा हुआ है ना क्या वहाँ से आपको मिलने वाला है क्या पता आपका पेपर बहुत अच्छा जाए है ना सेकंड शिफ्ट में हो आपका पेपर बहुत अच्छा जाए फिर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं था तो ये जो प्री कंसीप्ड नोशन हैं इनको लेके आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नहीं जाना है यू जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई जो है जैसा है मुझे उसे लाइक ऑन द फेस वैल्यू मुझे उसे एक्सेप्ट करना है और मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है वो ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है वहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे चाहे कोई भी शिफ्ट हो तो फर्क नहीं पड़ता अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो उन यूनिट्स को जो इम्पोर्टेंट है दोनों ही शिफ्ट के लिए तो डजेंट मैटर कि भाई कौन से शिफ्ट पेपर है आप अच्छा ही करके आओगे ठीक है बाकी चीट कोड का कुछ और वीडियो शॉर्ट शॉर्ट सीरीज का कुछ और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी आज एंड कल दो दिनों के अंदर मेक श्योर यू आर अपडेटेड आप देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है आपने लाइक करें वीडियोज को अगर पसंद आती हैं तो एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट वीडियोज़ ऑन सम अदर टॉपिक एंड थिंग्स थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग टेक केयर बु बाय